पहला प्रस्ताव अभी अभी पारित हुआ है। इस प्रस्ताव का मुख्य प्रस्तावक देश की सम्माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने किया। इसका समर्थन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के वाणिज्य और शिल्प मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी तथा हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। मित्रों, मोदी जी की सरकार को 8 साल इस बीच में पूरा हुआ है। इस 8 साल की एक प्रकार से जो गवर्नेंस आउटकम निकला है, उसकी दो प्रमुख अनेक आउटकम के उपलब्धि हैं, लेकिन दो प्रमुख आउटकम एक चैलेंजिंग पीरियड के अंदर, जब 2019 में सेकेंड टाइम हम लोग सेवा करने का मौका पाए, कुछ महीनों के बाद विश्व को कोरोना की संकट झेलना पड़ा। पहले 5 साल और अभी तक का 3 साल में, जैसे मैंने कहा, गरीब कल्याण एक प्रमुख उपलब्धि, ऐसे इतिहास रहा है। सरकारें वादे करते हैं, नारा देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उसकी प्रमाण आधारित एविडेंस बेस्ड आउटकम आज देश के सामने है। 13 में हम लोगों ने गरीब ही हमारी प्रायोरिटी रहेगा, इसे देश के सामने मोदी जी ने वादा किया था। 2014 मई में एनडीए की नेता चुनने के उपरांत पहला भाषण कि कमिटमेंट, मेरे सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रहेगा, महिला, युवा, आदिवासी, दलित, वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा, ऐसे वादा किया था। आज 8 साल के बाद जब उसकी हम रिपोर्ट कार्ड आज कार्य समिति में हमने एक प्रस्ताव के रूप में प्रधानमंत्री जी का गवर्नेंस मॉडल को इस कार्य समिति ने सराहना किया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, हर घर नल में जल, पाइप वाटर सिस्टम, जनधन में बैंक खाता खुलाना, मुद्रा योजना को इंप्लीमेंट करना, और अभी अभी कोरोना के समय में देश की 80 करोड़ आबादी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की कवरेज में लाना, जिसके कारण अगर मैं आपको ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने, पुरानी है फिर भी उसको मैं अगर आपके सामने उल्लेख करूंगा, लगभग 2,60,000 करोड़ रुपया की स्पेंडिंग पे पिछले 25 महीने से कार्यक्रम चालू हो रहा है। दुनिया के अंदर जब इन्फ्लेशन एक अपने आप में पिछले कई दशकों के अंदर उन देशों की पीक पे है, उस समय में भारत की चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के साथ साथ, विश्व की इस विषम परिस्थिति के साथ साथ, भारत में गरीबों की चिंता हमारी सरकार की प्रायोरिटी रही है। हरेक कदम, हरेक बड़े फैसला, हरेक साहसिक फैसला भारत की गरीबों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने किया, इसलिए कार्यकारिणी ने उनको सराहना किया, उनका अप्रिशिएट किया,
उनकी नेतृत्व शैली को, उनकी दूरदृष्टि को। ऐसे ही मित्रों, आज कोविड की उपरांत भी देश की फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स बहुत ही उत्साहजनक हैं। 2021-22 में 8.7% की विकास दर आपके सामने है। इस बीच में देश की एक्सपोर्ट बढ़ी है, देश के अंदर FDI ज्यादा आई है, देश में अनेक ऐसे निर्णय किया गया है, GST से लेके PLI तक। पिछले 8 साल में ऐसे अनेक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसमें भारत आज दुनिया की 6 रोबस्ट इकोनॉमी के नाम पे स्थापित कर पाई है। और इस देश आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है। आने वाले 25 साल में अमृत काल में हम दुनिया की एक ताकतवर महाशक्ति के नाम पे उभरे। इसलिए जो संबंधित जो आवश्यक अर्थनैतिक पैरामीटर्स को ठीक करना, एक चरित्र के दृष्टि से रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट, डिसाइसिव गवर्नमेंट, जो विरासत हमको मिला था 14 में, जिस लिगेसी को हमने इनहेरिट किया उसको हमने भूलना नहीं चाहिए। पॉलिसी पैरालिसिस से आज मूविंग टुवर्ड्स ए डबल डिजिट ग्रोथ इज नॉट ए फार डिस्टेंस। ये सारे जर्निंग बड़े लोगों के आशीर्वाद से हुई है, लोगों की कॉन्फिडेंस के कारण हुई है। 100 लाख करोड़ की गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, जिसमें देश की रोजगार, देश की कॉमन फैसिलिटी, ये केवल एक इन्वेस्टमेंट की कल्पना नहीं है, इन्वेस्टमेंट के अंदर ईज डेवलप करना, इसलिए इन्वेस्टमेंट आना, इस प्रकार की देश एक एम्बिशियस प्लानिंग को लेकर आज आगे जा रहा है। मित्रों, इस प्रस्ताव में और एक विषय के कारण हमने हमारी वैश्विक नेतृत्व के अंदर प्रधानमंत्री की जो ग्राह्यता बढ़ी है उसकी एक प्रमुख उदाहरण है कोरोना मैनेजमेंट। विश्व की मजबूत अर्थनीति आज डोलड्रम्स में है। उन देशों की समस्या, विशेष करके हेल्थ केयर समस्या, जो लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर नाज रखते थे, वो सारे आपके सामने हैं। उसकी पैरेलल में आज मैं एक पैरेलल अगर आपके सामने रखूं, देश के अंदर पोलियो वैक्सीन लगाने में 3 डिकार्स लगा था, 30 साल लगा था, उसकी कंपैरिजन में 1.5 साल के अंदर हमने देश की लगभग आबादी को टीका लगाया है। 191 डोजेस ऑफ वैक्सीन, और वो एक भारत में बनने वाला वैक्सीन, ये हमारी देश की सामूहिक इच्छा शक्ति की प्रतिफलन है। मित्रों, सारे विषय को ध्यान में रखते हुए आज कार्य समिति ने प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी की दृष्टि को, प्रधानमंत्री जी की निर्णय शक्ति को, जिसमें जो वादा हमने किया था, इसलिए मैंने कहा कि हम कोई नई बात नहीं कहे हैं, सबके साथ सबकी विकास, सबका विश्वास और सभी के लिए प्रयास, यह हमारी सरकार की गवर्नेंस की पद्धति रही है, नया प्रोसेस रही है। उसी को लेके आज आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को आदर करते हुए उनको स्वीकृति देते हुए उस मॉडल को, एक ग्लोबल मॉडल आज बन चुकी है, उसी लिए हम सभी की नाज है। भारतीय जनता पार्टी ने आज उसी प्रकार की एक प्रस्ताव अभी अभी पारित किया है।